शद्रक मेशक अबेदनगो ने जब एक राजा ने मूर्ति खड़ी की क्योंकि वचन को भूले नहीं, इसलिए परमेश्वर ने कहा हे मेरे पुत्र मेरी तालीम मेरी शिक्षा को ना भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। तो उन्हें पता था शद्रक मेशक अबेदनगो को क्योंकि उनके अंदर वो वचन लिखा था। परमेश्वर ने कहा था कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना और ना उसे दंडवत करना। वो जानते थे कि परमेश्वर का वचन में क्या कहता है। हाँ, जब मूर्ति खड़ी करा दी और राजा से ये आज्ञा निकली, क्या निकली राजा के मुंह से आज्ञा निकली कि सब जब बीना नगारा बजेगा तो सब लोग इस मूर्ति के आगे झुकना। साथ में एक आज्ञा निकली कि अगर जो नहीं झुकेगा वो जलते हुए पट्टी में चकिया सुट्टियां जाए। हाँ, जो नहीं झुकेगा। अब लोग सब डर के मारे क्या कर रहे हैं, सब लोग डर के मारे क्या कर रहे हैं। उनमें जो यहूदी लोग भी थे जो यहोवा परमेश्वर की उपासना करते थे, ऐसे नहीं कि सारे अन्य जाति लोग थे, बोलो क्या थे। उनमें यहूदी लोग भी थे जो यहोवा की उपासना करते थे, पर जब ऐसी आज्ञा निकली तो बाइबल कहती वो क्या हुए, सब डर के मारे उसके आगे झुक रहे। मूर्ति के आगे क्या कर रहे हैं बोलो, सब झुक रहे, क्योंकि पता शरीर जान प्यारी है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो अपने प्राण को बचाएगा वो खोएगा, जो मेरी खातर खोएगा वो बचाएगा। कितने मेरी बात समझ रहे। यीशु मसीह ने कहा मेरी खातर जो अपने प्राण को खोएगा वो बचाएगा, जो बचाएगा वो खोएगा। तो यहूदियों ने क्या किया, उस डर के कारण उस मूर्ति के आगे झुक गए। यहूदी लोग यहोवा की उपासना करने वाले क्या हो गए, लिखा उसके मूर्ति के आगे झुक गए। पर शद्रक मेशक अबेदनगो वो अपने उस शास में खड़े थे। जब दूसरों ने बताया कि तेरे राज्य के वो ही लोग हैं जिनको तूने खड़ा किया है, उन्होंने तेरे वचन को माना नहीं, राजा को गुस्सा आया। क्या आया बोलो, उसने कहा पकड़ कर लाओ मेरे सामने, और साथ में कहा इस पट्ठे दा सेक सत गुणा और तेज कर दो। जब बांध कर राजा के सामने लाए गए तीनों, तो उन्होंने राजा ने पूछा तुमने मेरे वचन को क्यों नहीं माना, जो मैंने आज्ञा दी तुमने क्यों नहीं पूरी की। कहता हे राजा, तीनों क्या कहते हैं, कहते राजा हम उस जीवित परमेश्वर की उपासना करते हैं। क्या करते हैं, हम इस मूर्ति के आगे नहीं झुक सकते, चाहे आज हमारा परमेश्वर तेरे जलते हुए पट्टे तो बचाए चाहे ना बचाए, पर हम ये पाप नहीं करेंगे, हम नहीं झुकेंगे। पर कहता हम जानते हैं वो बचाने की शक्ति क्या रखता है, वो बचाए चाहे ना भी बचाए तो भी हम उस मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे। पर फिर भी वो बचाने की क्या रखता है, क्या रखता बोलो, शक्ति पावर रखता है कि नहीं रखता। फिर जब ऐसा विश्वास उन्होंने किया तो क्या हुआ, क्या हुआ था उनके साथ, क्या वो सड़के राख हो गए कि वो जो पट्टे दा सत गुणा तेज सेक सी उन्होंने कुछ भी बगाड़ नहीं पाया। हाँ, इसी तरह से जब हालातों में हम मुसीबतों में दुखों में खुदा के साथ खड़े रहते हैं, कोई दुख मुसीबत आपका कुछ बगाड़ नहीं पाती। अगर आमीन ऊंचा है तो ये सारी उसकी ब्लेसिंग आज आपके ऊपर स्वर्ग से उतरेगी। मैंने कहा आज वो स्वर्ग से उतरेगी।